माय चैनल वर्सेटाइल सोनाली। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मेरे पहले वीडियो मैंने मेरी पूरी जो जर्नी है वो मैंने बताई है। लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं आज बताना चाहती हूँ, मतलब आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि मैं मेरी जो ये जर्नी रही है हाउसवाइफ टू मिसेस इंडिया इंटरनेशनल, इसके बारे में कुछ थॉट्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम मिसेस नासिक में पार्टिसिपेट किया था, उस वक्त मैं नासिक में रहती थी, आज मैं मुंबई में रहती हूँ। तो उस वक्त पहले तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में आगे जाकर ऐसा कुछ करूंगी। तो जैसे ही मुझे एक शॉपकीपर ने मुझे पैम्पलेट दी थी जिस पर वो जो होने वाला था ब्यूटी पेजेंट मिसेस नासिक फैशन शो, तो उसके बारे में थी, तो मैंने सोचा कि चलो ऑडिशन देकर देखते हैं। तो मैंने पहले तो कॉल करके उनको पूछ लिया कि ऑडिशन कहाँ है, कब है, वो सब जानकारी लेने के बाद मैं ऑडिशन देने गई। तो वहां पर मेंशन था कि या तो आपको डांस करना है, एक्टिंग करनी है, या फिर सिंगिंग करनी है, या आप कोई एक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने उस वक्त लाडला मूवी की जो श्रीदेवी मेरी फेवरेट एक्टर थी, लेट श्रीदेवी जी, तो मैंने उनके डायलॉग बोले थे और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने काफी सारे शोज किए हैं, आई मीन काफी सारे ब्यूटी पेजेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया है, काफी सारे टाइटल भी मैंने जीते हैं। लेकिन ये जो शो था फैशन शो मिसेस नासिक का, ये मेरे लिए इस शो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं कि जो भी ब्यूटी पेजेंट होते हैं, दो दिन ग्रूमिंग होती है, थर्ड डे फिनाले होता है। लेकिन उस शो में ऐसा नहीं हुआ था। जो ऑर्गेनाइजर थी अंजुम मैम, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से सब ऑर्गेनाइज किया था। 1 मंथ तक हमें सब कुछ सिखाया गया, हमें ग्रूम किया गया, अलग अलग फील्ड से लोग आए, जैसे कि ड्रेस डिजाइनर आए, सेल्फ डिफेंस के बारे में लेक्चर हुए, योगा के सेशन हुए, और रेगुलर हमारी रैंप अप की प्रैक्टिस होती थी, कोरियोग्राफी चलती थी। तो बहुत कुछ हमें उस शो में सीखने को मिला। कंप्लीट जिस दिन ऑडिशन हुआ उसके कंप्लीट 1 मंथ बाद हमारा फिनाले था। तो इस शो ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो पहले मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी जो मैं आज हूँ। मैं बहुत सिंपल जो हाउसवाइफ होती, वैसी, घर, बच्चे, खाना बनाना, घर का काम करना, यहाँ तक ही मेरी लाइफ सीमित थी। लेकिन जब मैंने इस शो में पार्टिसिपेट किया तो मैं खुद ही बहुत ग्रूम हो गई। और जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें बहुत कुछ चीजें नई नई सीखने को मिलती है, और हमारा कहीं ना कहीं हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, हम पॉजिटिवली चीजों के लेना शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो बहुत मजा आया मिसेस नासिक शो में, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये 2013 में हुआ था। उसके बाद जैसे कि मैं 2013 में आपके साथ मेरे पिक शेयर करने वाली हूँ कि जैसे मैं हाउसवाइफ थी तब मेरा लुक कैसा था और कैसे उसमें चेंज होते गया। मैं बहुत ओवरवेट थी, 80 के आसपास मेरा वेट था। जब मैंने मिसेस नासिक में पार्टिसिपेट किया तो मैंने थोड़ा बहुत कम कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा, मैं 80 से 60 तक आ गई थी। तो ये एक जुनून एक इंसान के मतलब छा जाता है दिमाग पर कि नहीं मुझे ये करना है। और जैसे कि मैं काफी मेरे वीडियोस में मैंने ये चीज बोली है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। आप सबको भी ये चीज अच्छे से पता है, हमने बस ठान लेना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है। उसके बाद 2 साल तो मैंने कुछ नहीं किया। 2016 में मैंने फिर मिसेस महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट किया, वहां भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ग्रूमिंग हुई, 2 दिन के थी ग्रूमिंग क्लासेस और थर्ड डे फिनाले था। फिर मैंने मिसेस इंडिया इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया, फिर फेस ऑफ द ईयर में मैंने पार्टिसिपेट किया, जिस 2017 में मैं फेस ऑफ द ईयर की मैं विनर रही हूँ। तो ये जो मेरी जर्नी रही है इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ, यही फील्ड के बारे में नहीं, चाहे जो भी कोई फील्ड हो, जो भी आपके सपने हो, आप बिल्कुल भी कभी भी निगेटिव थॉट्स अपने मन में आने ही मत दीजिए। बस आप आपके गोल पे आप फोकस आप कीजिए कि मुझे ये चीज करनी है। चाहे कोई भी फील्ड हो, जो कुछ भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो तो आप जरूर वो कर पाएंगे। बस आपको खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो बाकी के लोग तो दूर की ही बात है। ऐसा नहीं है कि मैं सिंपल थी तो मेरी लाइफ बहुत बोरिंग थी, या वो लाइफ बहुत अलग थी, ये बहुत अलग है, ऐसा नहीं है।
लेकिन चेंज है, बहुत सा चेंज है। जो भी चेंज है आप मेरे पिक्स देखकर समझ ही जाएंगे। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इससे, बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है। उसके बाद मैं इंटरनेशनल पेजेंट के लिए मैं आउट ऑफ इंडिया एज अ जूरी मेंबर गई हूँ। श्रीलंका और सिंगापुर मैं गई हूँ एज अ जूरी मेंबर। मैंने मराठी मूवी में भी काम किया है। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप भी जो भी आप करना चाहते हैं आप कीजिए। तो 2013 के पहले के और 2013 के बाद के, तो आज की तारीख तक मेरे जितने भी पिक्स मुझे लगते हैं कि मैंने आप सबको दिखाने चाहिए, वो सब पिक्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको भी पता चलेगा कि मुझ में कितना चेंज आया है।
आई होप कि आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।